अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी जस्ट मैं जो है व्लॉग स्टार्ट की हूँ और इस टाइम जो है घड़ी में बज रहे हैं 12, रात के 12। आप लोग मानेंगे नहीं, ये जी हाँ 12, रात के 12 बज रहे हैं और इस टाइम सिर्फ समायरा मेरे साथ है। समायरा जो है फोन पकड़ रखी है और मैं यहाँ पे भिगाने जा रही हूँ चावल। ये देख सकते हैं गाँव का चावल है ये, तो इसको मैं बनाऊंगी, इसको मैं पहले भिगा दूंगी रात भर, फिर सुबह इसका मैं बनाऊंगी छिलका रोटी। झारखंड की फेमस छिलका रोटी है, बनता है ये झारखंड में, बहुत ज्यादा फेमस है। तो मैं इसको जो है भिगाऊंगी और ये गांव का चावल है तो ये और अच्छा बनेगा। और किचन आप लोग देख सकते हैं सारा फैला हुआ है, सब लोग खाना खा के जा चुके हैं अपने अपने रूम में और सिर्फ मैं और समायरा भी जागे। तो पहले मैं चावल को जो है भिगा देती हूँ अच्छे से और सुबह मैं आप लोग से मिलूंगी, सुबह मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ। तो फिलहाल मैं इसको पहले भिगा देती हूँ चावल को, तो आइए मेरे साथ। तो यहाँ पे देखिए ये मैं जो है भिगा देती हूँ इसको, मैं बहुत दिन से सोच रही थी बनाने के लिए, मेरा बहुत मन कर रहा था लेकिन मैं कभी कभी रात को जो है ना भूल जाती थी, तो इसकी वजह से मैंने आज मुझे एकदम पक्का याद था तो मैं बोली आज मैं इसको तो आज बना के ही रहूंगी। तो बस इसको मैं भिगा देती हूँ, इसको 3-4 पानी से मैं पहले अच्छे से धो लेती हूँ और ये चावल एकदम साफ है, जरा भी कहीं से जो है ना गंदा नहीं है। तो चलो यहाँ पे मैंने 1 किलो करीब चावल ली हूँ, 1 किलो 3 पाव के करीब होगा, शायद 1 किलो से थोड़ा सा कम। तो ये देखिए मैं इसको भिगा देती हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ढक्कन से इसको ढक दूंगी। और अब मैं आप लोग से मिलूंगी सुबह। यहाँ पे देख सकते हैं कंबल वगैरह सब निकल चुका है, एसी चल रहा है तो हल्का कंबल जो है हम लोग लगा के रखते हैं रात को ताकि ठंड ना लगे। और ये देखिए यहाँ पे देखिए घड़ी में 12:03 हो रहे हैं, तो देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए अब मैं रखती हूँ फोन और मैं जो है घर का सब पर्दा वगैरह सब, फिलहाल समायरा ने जो है सब बंद कर दिए, लाइट वगैरह सब बंद हो गई है, ये देखिए आप लोग। और अब जो भी काम होगा वो सुबह रहेगा। तो अच्छा, तो हो गया है नेक्स्ट डे। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और आज जो है हमारी हेल्पर नहीं आई थी और आज इतना सारा काम था कि सुबह सुबह उठो तो बहुत सारा काम रहता है। तो छिलका रोटी जो मैंने अभी साइड में, जो चावल जो मैंने फुलाई थी उसको मैं रख दी हूँ एक साइड। फ़िलहाल यहाँ पे फरहीन जो है आ चुकी थी और आज तो बेचारी पूरा बर्तन अकेले ही धोई थी और सफाई भी करी थी पूरा अकेले ही। ज़ारा जब तक सो रही थी मैं उनके साथ लगी थी यहाँ पर नाश्ता बनाने में, आलू की सब्ज़ी भी बन रही थी साथ साथ छिलका रोटी के साथ खाने के लिए, और एक साइड जो है हम लोगों ने दाल चढ़ा दिए थे। आजकल ना मेरी हेल्पर की जो है तबीयत जो है ना ख़राब है, तो इसकी वजह से ना घर में बहुत सारा काम बढ़ जाता है, साथ साथ में बच्चा भी रहता है तो सारा काम जो है ना हम लोग को खुद करना पड़ता है। तो कोई बच्चा ले लेता है, कोई काम कर लेता है, ऐसे ही हम लोग मिल के अपना काम जो है कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बर्तन सब जो है धुल चुका था और बस यहाँ पर सब्ज़ी जो है बनने ही वाली थी। एक तरफ जो है हम लोग चढ़ाए थे मिक्स दाल के अंदर जो है मैंने सारे गर्म मसाले डाल के जो है मैंने चढ़ा दी थी और हमारी सब्जी भी जो बनने वाली थी बस इसके अंदर अभी टमाटर वगैरह जो है डालना था। तो यहाँ पे फरीन जो है टमाटर काट के डाल दे रही हैं, साथ में मेरा बेटा भी आ गया था छोटा वाला, तो दाल उतार के हम लोग जो एक तरफ जो है चाय चढ़ा दिए थे, चाय गर्म होने के लिए रखे थे। जैसे कि नाश्ते का टाइम होता है तो सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा जो है बिजी रूटीन होता है। तो अब यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, मेरा चावल जो है बहुत ही अच्छे से जो फूल चुका है और आटा गूंद के हम लोग रख दिए हैं नाश्ता बनाने के लिए, एक तरफ आटा भी रख दिए क्योंकि बच्चे लोग जो है ये छिलका रोटी नहीं खाते हैं, और तो आटा एक तरफ हम लोग अलग रख दिए थे पराठे बनाने के लिए। तो देखिए मेरा चावल जो है बहुत ही अच्छे से जो है वो फूल चुका है और एक तरफ जो है यहाँ पे हम लोग चावल भी निकाल दिए साथ साथ में, क्योंकि सुबह का टाइम होता है तो मैं सोचती हूँ जल्दी से काम हो जाए पूरा निपट जाए। तो दाल चावल जो है चढ़ चुका था, चावल अभी निकाल रहे थे सॉरी, और सब्जी जो है वो हमारी बस हो गई है रेडी और बस अब इसको जो हम लोग धनिया वगैरह डाल देंगे। और अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मिक्सर वगैरह हम लोग निकाल दिए हैं, छिलका रोटी बनाने की तैयारी भी हो रही थी और भूख भी साथ में लग रही थी क्योंकि हम लोग बहुत देरी का आज उठे थे। और बस अब फरीन जो है यहाँ पे चावल जो है पीस रही थी और साथ साथ में इतना ज़ारा रो रही थी ना कि मैं आप लोग को दिखा भी नहीं पाई कि चावल के बैटर में मैं क्या क्या डाली थी, तो वो मैं आप लोग को अभी बता देती हूँ थोड़ी देर में। बस जब तक फरीन यहाँ पे जो है चावल जो है पीस ले फटाफट से।
तो चलो अब चावल जो है यहाँ पे फरीन पीसने के लिए जो है रेडी हो गई है। चावल बहुत ही अच्छे से इसको भिगाना है रात को। अगर आप लोग भी बनाएंगे तो इसको ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही अच्छी लगती है। आप इस रोटी को जो है चटनी के साथ खा सकते हैं, खास करके टमाटर की चटनी जो है ना इसके साथ बहुत ही अच्छी लगती है। चाय के साथ भी इसको खाया जाता है, ये बहुत ही अच्छी बनती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है फरीन ने जो है बैटर बना के एकदम रेडी कर दिए। इसमें हम लोग जो है हल्की सी हल्दी डाल देंगे और नमक हम लोग डाले थे बस, और इसके अंदर हम लोग कुछ भी नहीं डाले थे। इसको हम लोग फेंट दिए थे अच्छे से। और यहाँ पे मेरी जो है दाल भी जो एकदम बन के रेडी हो गई थी। तो चलिए अब फरीन जो है यहाँ पे तवा जो है गरम कर ली है अच्छे से, और तवे को जो है एकदम स्लो आंच पे रखना है। सबसे पहले इस पर पानी की छींटे डालना है। तो हमारा जो है ना बैटर जो है ना थोड़ा सा शुरू में जो है ना हमारी रोटी जो है वो फट गई थी, कोई बात नहीं। शुरुआत मैं भी पहली बार ही बना रही थी तो मैं सोची कि आप लोग के साथ शेयर कर दूं। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसके बाद बैटर जो है फिर अच्छे से फरीन ने उसको फैला के और उसको सेक दिए हैं। हल्का हल्का तेल डालना है और इसको एकदम स्लो आंच पे बनाना है। और ये बन के अब रेडी हो गई है। ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, बस इसको जो है हमको अच्छे से घुमाते रहना है एक चम्मच से, और हमारी छिलका रोटी जो है बन के एकदम रेडी हो जाएगी। तो जब भी आप लोग बनाइएगा तो इसी तरीके से बनाइएगा, ये बहुत ही अच्छी बनती है। और अब फरीन जो है इसके बाद जो है दूसरा डालेंगी, दूसरी रोटी भी साथ साथ में बनेगी। वो इतनी बढ़िया बनी थी ना, तो देखिए बन के ये भी बहुत अच्छे से जो है बन गई है। और फिर से इसको जो है हम लोग डाल दिए बैटर तवे पे, और देखिए एकदम गुलाई में जो है बैटर को फैलाना है धीरे धीरे करके, बहुत ही अच्छे से। इसको जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दी में ये जो है फट जाती है। तो बस ये देखिए कितना बढ़िया बन रहा है। इसमें से जो है धीमी धीमी आंच करके हम लोग जो इसको पका रहे हैं, अब इसको पलट देंगे बढ़िया से और फिर से इसको जो है हल्का सा तेल डाल देंगे। और देखिए मेरा जो है बन के एकदम रेडी, आलू की सब्जी भी बन गई है और मैं यहाँ पे टेस्ट करने के लिए खड़ी हो गई। मुझे तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है, ये सब चीज़ें ठंडी के दिन में बनाओ तो बहुत ही बढ़िया लगती है। और भी धीरे धीरे हम लोग इसको बना रहे थे, गरम गरम खाते जा रहे थे, और साथ में यहाँ पर बाबू भी आ गया था। तो चलिए अब मैं जो है खा के आ गई हूँ, शाम का टाइम है ये, मैं आ चुकी हूँ पार्क में वॉकिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे कि आजकल कांवड़ वगैरह जो चल रहा है ना आजकल, मतलब बहुत सारे जो है त्यौहार वगैरह जो है चालू है आजकल। तो बस ये शुरुआत में देख सकते हैं टेंट वगैरह यहाँ पर लगा है और मैं अब चल रही हूँ अंदर। मेरे साथ है समायरा, धूप तो बहुत ज़्यादा है देख सकते हैं आप लोग। और अभी घड़ी में जो है शाम के 5 बज रहे हैं, तो मैं 5 बजे जो है पार्क आ जाती हूँ। आजकल मैं बहुत जो है बहुत ख्याल रखती हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा वज़न भी बढ़ गया है, तो इसकी वजह से मैं पार्क में रोज़ जाती हूँ शाम को। लेकिन आज तो मुझे गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रही थी, तो यहाँ पे मैं पहले वॉकिंग कर लेती हूँ और फिर मैं इसके बाद जो है थोड़ा सा पहले मैं गीली घास पर जो है घूम लेती हूँ, इसके बाद जो है मैं वॉकिंग करूँगी। तो बस गीली घास पे जो है मैं चल चुकी हूँ और अब मैं पैदल थोड़ा सा चल लेती हूँ, चक्कर मार लेती हूँ। और धूप तो इतनी ज़्यादा लग रही है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और इस टाइम 5:15 हो रहे हैं और चल के वॉकिंग करके मैं जो है तो अब घर जाऊँगी, नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी। आज मैं रख के आई थी घर पर पाँव लेके आई थी बर्गर बनाने के लिए, देखते हैं अगर बहू लोग बनाएंगी, वरना कोई बात नहीं चाय पी लेंगे क्योंकि लेट भी हो चुका है ना। चाय वगैरह तो 5-6 बजे ही अच्छी लगती है, और मुझे घर जाते जाते लग रहा है कि 6 बज ही जाएगा नमाज़ वमाज़ पढ़ने में। फिर उसके बाद देखते हैं आज खाने में क्या बनाना है, आज कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बनाऊं। वैसे मछली खाने का मन कर रहा था, बहुत दिन हो गया था, देखती हूँ मछली लाना होगा तो लाऊंगी, वरना कुछ और बना लेंगे अगर ज़्यादा लेट होगा तो। धूप आप लोग देख सकते हो मेरे मुँह पर धूप आ रही है, बहुत ज़्यादा मुझे जो है दिक्कत होती है ब्लॉग्स वगैरह बनाने में अकेले। समायरा को मैंने वहाँ पर बिठा दी हूँ, तो बस फटाफट से जो है तो मैं वॉकिंग कर लेती हूँ और फिर घर चलती हूँ। मेरा हो चुका है अभी तीसरा चक्कर स्टार्ट है, यहाँ से पूरा घूमना है। और अभी बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो आ रही हैं और बहुत जल्दी, कुछ लोग तो इतनी जल्दी चलते हैं कि अपने बस का तो है नहीं, जितना मैं चल सकती हूँ उतना मैं चलती हूँ। और फटाफट से जो है चल के घर को निकलती हूँ। वैसे तो मैं 3-4 चक्कर मारती हूँ, अभी ये तीसरा है, 2 और मार लूँगी फिर घर चलती हूँ। और देख सकते हैं उस दिन मैंने आप लोग को पानी दिखाई थी ना, उस दिन तो बहुत भरा था, लेकिन अब जो है धूप की वजह से सब सूख रहा है धीरे धीरे। जो बच्चे आप लोगों ने नेक्स्ट पिछले व्लॉग में देखा होगा, बच्चे लोग जो नहा रहे थे वो सामने रहा, वो रहा वो, देखिए उस दिन जो बच्चे नहा रहे थे वो सामने, उसके अंदर पानी जहाँ भरा, अब तो और भी गंदा हो चुका है पानी। हो तो बस
चलती हूँ फटाफट से वॉक करके अब घर। समायरा जो है सामने बैठी है, देख सकते हैं आप लोग। बस अब चलती हूँ समायरा को लेके। ये रही बैठी, और अभी अभी बाबू फ़ोन किया था मास कि दादी मुझे नहीं लेके गई आप। मैं बोली बेटा तुम भागते हो पार्क में इधर उधर, मैं तुमको नेक्स्ट टाइम लेके चलूँगी। तो बस आज समायरा के पास चलते हैं और अब जो है घर को निकलती हूँ मैं। अच्छा मैं घर आई तो फटाफट से जो है वजू करी, और नमाज़ पढ़ने का टाइम हो रहा था, लेट हो रहा था क्योंकि असर का टाइम जो है वो निकल रहा था। तो फटाफट से मैंने कुर्सी खसकाई और वजू करके जो है बैठ जाती हूँ यहाँ पे नमाज़ पढ़ने। उसके बाद जो मैं ऊपर चलूँगी, ये मेरा नीचे वाला हॉल है, ये एंट्रेंस है अंदर, ये जो इसके अंदर रूम है, तो यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। सलाम बाबू का सलाम आप सबको। और मैं घर आ गई, और ये देखिए बर्गर बन के एकदम रेडी है माशाल्लाह से। मेरी बहू लोग बहुत अच्छी है, एकदम रेडी करके रखी थी। और ये देखिए मैं नमाज भी पढ़ चुकी, ये रात दोस्त चाय आ ही रही है, तो बस मैं खा लेती हूँ और इस व्लॉग को अभी यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर कॉमेंट करना नहीं भूलिएगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।